हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर 1 का पार्ट 9, टॉपिक इज गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। क्या है इस टॉपिक के अंदर? जो पार्टनर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी आपस में एक दूसरे को गारंटी कर सकते हैं प्रॉफिट को लेकर, कि आपका प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे का गारंटी का प्रोविजन लेकर आते हैं, जिसमें ए गारंटी देता है बी को कि बी का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए अपने प्रॉफिट्स में से बेयर करेगा, राइट? इसी तरीके से अपकमिंग पार्टनर को भी आप गारंटी दे सकते हैं। तो गारंटी को कैसे सॉल्व किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है, तो गारंटी भी आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही सॉल्व होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका लॉस हो गया है, पीएडएल से ही आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपके पास लॉस हो गया है, तो ऐसे केस में हम गारंटी तो सॉल्व करेंगे लेकिन पीएडएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि पीएडएल एप्रोप्रिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, व्हाई वी मेक पीएडएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? तो आप देखिए, गारंटी के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिक करे हैं। कोशिश करा है कि जो दो तीन चार क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, तो वो हम लोगों ने आपके लिए पिक करे हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। 3 CAs ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग डिविजिबल इन द रेशियो 3:1। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सी इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000। देखिए, अकाउंट्स के क्वेश्चन को बहुत पॉज देकर पढ़ना चाहिए ताकि हर बात आपको क्लियर होती जाए। उसके बाद जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन अगर हम इसे रीड मारते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो पूरी कहानी, और फिर बस उस पूरी कहानी का आपने सॉल्यूशन देना। तो अभी तक हमें क्लियर है कि 3 CA है, तो एक सीए फर्म है जिसमें ABC पार्टनर है। सी को गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 15,000 पर एनम से कम नहीं होगा। ऑब्वियसली ये गारंटी किसने दी होगी? अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो ए और बी ने दी होगी। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म। तो ये फर्म को गारंटी देने जा रहा है और कह रहा है ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम शेल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। तो इसने कहा कि मैं गारंटी देता हूं फर्म को कि पिछले 5 सालों में जो मैंने ग्रॉस फी अर्न करी उसका एवरेज आप निकाल लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस पार्टनरशिप फर्म के बनने पर भी मैं फर्म को उतना जरूर कमा कर दूंगा ग्रॉस फी। तो देखिए, विच इज ऑन एवरेज वर्क इज 25,000 व्हेन ही वॉज कैरिंग अ प्रोफेशन अलोन विच ऑन एन एवरेज वर्क एट ₹25,000। तो जब वो एक प्रोफेशनल के तौर पर अकेला था, पार्टनरशिप फर्म में नहीं आया था, तो उसके 5 सालों का जो एवरेज है वो आपको कितना दे रखा है? 25,000। तो यहाँ दो गारंटी है, एक इंडिविजुअल गारंटी है सी को दी गई है ए और बी के द्वारा, दूसरा बी गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं फर्म को ₹25,000 तो जरूर कमा कर दूंगा। अब देखें, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप वॉज ₹75,000, द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज ₹16,000। आउट ऑफ 75,000 बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? 16,000। तो उसने गारंटी कितने की दी थी फर्म को? ₹25,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू गिव दिस इफेक्ट। अब देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब पहला सवाल ये उठता है कि पहले कौन सी गारंटी सॉल्व करी जाए, बी ने जो फर्म को गारंटी दी है वो, या सी को जो गारंटी दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, पहले फर्म सबसे ऊपर होगी, इंडिविजुअल पार्टनर बाद में आता है, फर्म पहले आती है। तो पहले हम लोग फर्म की गारंटी सॉल्व करेंगे। तो हमें कहानी क्लियर है, बस अब उसका आप पिक्चर बना दीजिए। तो क्या पिक्चर बनेगा आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट डाल दीजिए। कितना प्रॉफिट फर्म ने कमाया है? ₹75,000 का प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। अब गारंटी दी गई थी कि बी कहता है कि मैं 25,000 कमा कर दूंगा, लेकिन कमाकर कितना दिया उसने? 16,000। तो जो भी कम हुआ दैट इज ₹9,000, कौन बेयर करेगा उस ₹9,000 को? ना तो ए ना तो सी, सिर्फ और सिर्फ बी बेयर करेगा। तो बी की कैपिटल में से इस ₹9,000 काट कर इस प्रॉफिट को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट 84 होना चाहिए था अगर बी की गारंटी को अज्यूम किया जाता है।
तो ये 9000 रुपीस फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो भी फर्म के प्रॉफिट में कमी आई है वो बी गारंटी दे रहा था उसकी, तो 9000 रुपीस यहां पर ऐड हो गए। और ये कहां से काट लिए गए? बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। और जनरल एंट्री क्या बन गई इसकी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो है फर्म का प्रॉफिट है 84000 रुपीस, राइट। इस 84000 रुपीस को हम प्रॉफिट ए बी और सी में बांट देंगे, एंड विच इज इन द रेशियो 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, विच इज 42000, 28000 और 14000। अब आती है सी की गारंटी। सी को गारंटी करी गई थी कि उसका प्रॉफिट 15000 से कम नहीं होगा। अब उसका जो प्रॉफिट है वो 14000 रुपए है, तो कमी आई आपके पास 1000 रुपीज की। अब इसको जो गारंटी थी वो किसने दी थी? इसको गारंटी ए और बी ने दी, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इंडिविजुअली ए ने दी है या बी ने दी है। तो ऐसे केस में हम यही मानेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है सी के अलावा, उनके द्वारा ये गारंटी उसको दी गई है। तो जो 1000 रुपीज सी को कम है वो ए और बी बेयर करेंगे, और किस रेशो में? आपस की रेशो में, जो इनकी आपस की रेशो है, दैट इज 3:2, यानी 3/5 ए देगा और 2/5 जो है वो बी देगा। इसीलिए ए के प्रॉफिट में से 1000 का 3/5 दैट इज 600 ये माइनस कर दिया गया, बी में से माइनस कर दिया गया, और जो इन दोनों में से माइनस करा गया वो किसको मिल रहा है? सी को। तो सी का प्रॉफिट 15000, बी का प्रॉफिट अब है 27600 और ए का प्रॉफिट है 41400। और बुक्स में कई बार आप देखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी का जो आंसर है वो 27600 नहीं है। स्टूडेंट एक्चुअली आपको 27600 जो उसे मिला माइनस 9000 रुपीज जो उसका कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस है वो आपको गिवन है, दिस माइनस दिस। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका ग्रॉस फी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2015 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। तो आपके पास यहाँ तीन पार्टनर है और आपस की रेशियो है 4:3:3। एक्स हाउएवर पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। ये जो आफ्टर वर्ड है इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो आफ्टर मीन्स होता है जिस भी चीज का आपको आफ्टर बोला गया है उसका इफेक्ट ले लिया जाए। अगर आईओसी है तो आईओसी एक खर्चा है तो उसको माइनस किया जाना चाहिए प्रॉफिट में से पहले। तो एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि जेड का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 80000 इन एनी ईयर। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स वाई और जेड की आपको गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,60,000। स्टूडेंट सोचता है इसमें तो कुछ टफ है ही नहीं, आईओसी माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आना चाहिए वो उसका 40,000 आना चाहिए। नहीं, हमने ये क्वेश्चन इसलिए पिक करा है क्योंकि ये पार्टनरशिप अभी अभी स्टार्ट हुई है और इसमें डेट है 1 अक्टूबर 2015। और जो ये गारंटी का 80,000 रुपीज का अमाउंट है ये पूरे साल का अमाउंट है, ये इस क्वेश्चन की खास बात है। ठीक है जी, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और सबसे पहले 1,60,000 का जो प्रॉफिट है वो तो आपके पास ऑलरेडी अक्टूबर टू 31 मार्च ही है, तो आपके पास 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। फिर अब हमें आईओसी देनी है पार्टनर्स को, और ऑब्वियसली आईओसी कितने टाइम की जाएगी? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, विच इज 6 मंथ्स। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में खास बात थी बस। तो 3 लाख रुपीज आपकी कैपिटल है, उस पर आईओसी है 10% इंटू 6/12। सिमिलरली वाई 2 लाख 10% इंटू 6/12 जेड। तो ये आपके पास आईओसी का अमाउंट जो है वो टोटल हमने पार्टनर्स को दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा दैट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने 4:3:3 की रेशो में एक्स वाई और जेड में बांट दिया। ओके, अब बांटने के बाद देखा गया कि जो Z का अमाउंट रिसीविंग है वो 38,250 रुपीज है, और Z को कहा गया था कि आफ्टर अलाउइंग आईओसी, जो आईओसी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है अगर उसको 80,000 रुपए से कम मिलता है तो कौन गारंटी देगा? X। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि जो ये 80,000 रुपए है ये पूरे साल की गारंटी थी, और जो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ये 6 मंथ का है, तो गारंटेड अमाउंट भी उसी हिसाब से कम कर दिया जाएगा। तो ये हाफ ईयर का आपका निकाला जाएगा, तो गारंटेड अमाउंट इज 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज से जितना कम जेड को मिल रहा है दैट इज 1750, वो जेड को कौन देगा? एक्स अपने प्रॉफिट में से देगा। तो एक्स में से आपने माइनस कर दिया और जेड में आपने प्लस कर दिया, नाउ द गारंटी इज कंप्लीट, और ये आपके पास वो प्रॉफिट है जो आफ्टर अलाउइंग आईओसी एक्स वाई जेड को एंड आफ्टर कंप्लीटिंग
गारंटी एक्सवाईजेड को मिला. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, ए बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर. तो एक ये वाले क्वेश्चन भी होते हैं जो स्टूडेंट को थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं कि मैनेजर को आपने पार्टनर बना लिया. ये आपके पास पास एडजस्टमेंट में भी था, हमने उस पर भी आपको वीडियो डाली है, और ये आपके पास गारंटी में भी है. दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, गिविंग 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ अ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट After charging such salary and after such commission. ये बहुत important बात आती है. यानी जो manager के तौर पर उसे एक commission दी जाती थी, वो कैसे दी जाती थी? पहले net profit में से उसकी salary minus करी जाती थी, और after charging such commission, यानी उसकी ही commission को minus करने के बाद जो profit आता था उसका 10% किया जाता था. इसको ऐसे समझा जाता है. 11th class में कई student रट भी लेते हैं कि before लिखा हो तो 10%, after लिखा हो तो 10/110. बेसिकली ये 10/110 लॉजिकली आता है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से आता है. ऐसा इसलिए करा जाता है स्टूडेंट क्योंकि आप देखिए, आपको कहा गया कि आपको 10% कमीशन देनी है. चलिए अभी आपको ये आगे समझाते हैं कि इसमें क्या चीज आपके पास आती है. जैसे ही आपके पास पूरा क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं तो आगे कहता है आपको, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट which would have been due to the him if he continued to be manager would have to be personally borne by A. तो अगर manager के तौर पर वो जितना भी amount ले रहा था पहले हम वो दे देंगे और फिर देखेंगे कि partner के तौर पर उसे कितना मिलना चाहिए. अगर कोई भी कमी होगी तो वो personally कौन borne कर रहा है? A, out of his share of profit. तो profit for the year is 2,25,000. तो सबसे पहले हमें प्री एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि उसी अकाउंट से ट्रांसफर होता है. 2,25,000 सबसे पहले हमने 2,25,000 में से सी को एज अ मैनेजर जो चीज मिलती है वो दे दी, ये सोचकर कि कुछ कमी की जरूरत नहीं होगी. फिर बाद में देखेंगे कि क्या कमी होगी. तो पहले हमने यहाँ सी कैपिटल लिखा है लेकिन उसे वो चीजें दी जो वो एक मैनेजर के तौर पर ले रहा था. तो सी क्या ले रहा था? 27,000 रुपीज की सैलरी और ये कमीशन जिसकी बात हम आपको कह रहे थे. देखिए उसने क्या कहा था, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी. तो उसका मतलब होता है सैलरी माइनस करना. साथ साथ ये भी लिखा था आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो यह कमीशन तो हमें निकालनी है, उसी चीज को माइनस करने के बाद उसका आपको 10% करना था. तो या तो आप मैथमेटिकली इक्वेशन को सॉल्व करिए, यू गेट द सेम आंसर 18,000 रुपीज डेफिनेटली. अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, 2,25,000 में से 27,000 तो माइनस किया जा सकता है लेकिन क्योंकि आपके पास कमीशन कैलकुलेट करनी है इसीलिए मैथमेटिकली ये चीज क्या कर दी जाती है, 110 कर दी जाती है. इज इट ओके? आप देखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10/100x होगा, यहां आ जाएगा. तो इसीलिए क्योंकि हमसे कहा गया था कि पहले प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कीजिएगा और फिर कमीशन भी माइनस करेगा, तो हम सैलरी तो माइनस कर सकते थे, कमीशन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो निकालनी है. इसीलिए डिनोमिनेटर में जो भी आपकी परसेंटेज ऊपर लिखी जाती है वो ऐड कर दी जाती है. तो आपके पास 18,000 रुपए की कमीशन आ रही है. कैलकुलेशन वर्क सीखने की जरूरत नहीं होती है, कैलकुलेशन तो आपका खुद का काम है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए. 27,000 मैनेजर के तौर पर एज अ सैलरी मिल रही थी, 18,000 कमीशन मिल रही थी, तो 45,000 रुपीज जो है सी को दिया जा रहा. तो हम यही मान रहे हैं कि 45,000 इज ओके. तो हमने सबसे पहले 45,000 यहां लिखा, फिर 2,25,000 में से 45,000 माइनस कर जो भी आपके पास प्रॉफिट बचा विच इज 1,80,000 उसे 3/5 और 2/5 में ए और बी में बांट दिया. तो वो आ गया स्टूडेंट आपके पास 1,08,000 और 72,000. अब ये जानना जरूरी है कि उसको मिलना कितना चाहिए एज अ पार्टनर. तो हमने क्या किया उसके लिए, 2,25,000 का 1/4 किया तो वो आया आपके पास 56,250 रुपीज. तो यहां पर उसको 45,000 रुपए ऑलरेडी मिल रहे थे, कितने की कमी थी, 11,250 यानी 11,250 वो हमने सी में ऐड कर दिए और ए में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड दिस इज योर गारंटी इन केस ऑफ मैनेजर बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म. आई होप इट्स क्लियर. ना क्वेश्चन नंबर 4 एक हम लोगों ने आपके लिए लिया है जिसमें लॉस गिवन होता है तो क्या किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा. देखिए गारंटी तो सॉल्व होनी है,
लेकिन P&L appropriation नहीं बनेगा, जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग. तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 1 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. ओके, सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख. तो सबसे पहले लॉस को हम शेयर कर लेते हैं कि लॉस अगर शेयर होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही एंट्री इसकी पास होती है, तो अगर इसे बेयर करा जाता तो क्या बनता, 1 लाख 1 लाख 1 लाख इनके पास लॉस आता. अब सी को गारंटी दी गई थी कि भाई उसका तो पॉजिटिव 1 लाख आएगा ही आएगा, उसको मिल रहा है नेगेटिव 1 लाख, क्या करें. तो इसको कितने रुपए दिए जाए ताकि इसकी गारंटी कंप्लीट हो जाए, यानी ये 1 लाख पॉजिटिव का बन जाए. तो आपको पहले तो इसका लॉस के पैसे मिल करने पड़ेंगे, यानी इसका जो नेगेटिव है उसके 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर 1 लाख उस प्रॉफिट को पॉजिटिव करने के लिए देने पड़ेंगे. तो टोटल मिलाकर इसको 2 लाख प्लस करेंगे तो जाकर आपके पास 1 लाख रुपीज सी का अमाउंट आएगा. और वो 2 लाख रुपए कौन बियर करेंगे, ए और बी, किस रेशो में, आपस की रेशो में. तो तीनों की रेशो क्या चल रही थी आपके पास, इक्वली. तो इनके आपस की रेशो क्या हुई, इक्वल. तो इनका जो लॉस है वो और बढ़ गया, यानी इन्हें 1 लाख 1 लाख और बियर करना पड़ेगा. तो क्या एंट्री होगी आपके पास, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने की एंट्री करी है हमने, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर वो जो 1 लाख और 1 लाख ए और बी को देने हैं, किसको, सी को, तो उसकी एंट्री पास करी है ए डेबिट बी डेबिट टू सी कैपिटल. थैंक यू सो मच गाइस.